वस्तुनिष्ठ प्रश्न विज्ञान और उसकी शाखाएं। पहला, एपिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? पेज नंबर 229 मधुमक्खी। दूसरा, पेडोलॉजी का संबंध है जल से? तीसरा, हॉर्टिकल्चर में अध्ययन किया जाता है सजावटी पादपों का? चौथा, सेरीकल्चर है रेशम कीट पालन? पाँचवा, जंतुओं पादपों के वर्गीकरण का अध्ययन कहलाता है वर्गीकी? छठा, जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है एथोलॉजी? सातवां, फलों का अध्ययन कहलाता है बायोलॉजी? आठवां, जंतु आवास के संबंध का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में होता है इकोलॉजी? नौवां, मानव मस्तिष्क का अध्ययन जिस शाखा में होता है वह साइकोलॉजी? दसवां, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी? ग्यारहवां, हाइड्रोफोनिज में पौधों को किस माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? मिट्टी। बारहवां, जियोलॉजी में अध्ययन करते हैं भूगर्भ का अध्ययन? तेरहवां, फिंगरप्रिंट का अध्ययन करते हैं डेक्टिलोग्राफी में? चौदहवा, वृद्धावस्था से संबंधित विज्ञान की शाखा है जिरोन्टोलॉजी? पंद्रहवा, कल्टीवेशन में अध्ययन करते हैं घासों का? अगला टॉपिक है भौतिकी के विभिन्न मात्रक, सदिश एवं अदिश राशियां। पहला प्रश्न, निम्न में से सदिश राशि है? पहला वेग, दूसरा त्वरण, तीसरा बल से उत्तर उक्त सभी। पेज नंबर 230। दूसरा प्रश्न, न्यूट्रॉन के खोज करता है चैडविक? तीसरा है सदिश राशि में व्यक्त करते हैं? पहला केवल दिशा, दूसरा केवल परिमाण से उत्तर है उक्त दोनों। चौथा, ओम गुणा मीटर किसका मात्रक है विशिष्ट प्रतिरोध? पाँचवा, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम मात्रक है विशिष्ट ऊष्मा? छठा, निम्न में से अदिश राशियां घनत्व? सातवा, जूल मात्रक है? पहला ऊर्जा, दूसरा कार्य से उत्तर है उक्त दोनों। आठवा, आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्स? नौवा, बल आधूर्ण है बल गुणा लंबाई? दसवा, एग स्ट्रॉम का मान है 10^-8 मीटर। ग्यारहवें, किस फॉरेनहाइट ताप का मान सेंटीग्रेड के बराबर होता है? -40 डिग्री। बारहवें, बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है 30 कैलोरी ग्राम। तेरहवें, पानी का अपरिवर्तनांक होता है 1.33। चौदहवें, न्यूट्रिन के खोज करता है पाउली? पंद्रहवें, पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला टॉपिक है प्रमुख वैज्ञानिक परिचय। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? मैडम क्यूरी। दूसरा, डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। तीसरा, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक है? इनमें से कोई नहीं। चौथा, चरक विलियम रेगजे वोल्टा जेम्स वॉट इनमें से कोई नहीं। चौथा, चरक नामक चिकित्सा शास्त्र किस काल में हुए? कनिष्क काल। पेज नंबर 231। पांचवा प्रश्न, जेनेटिक कोड की खोज से संबंधित वैज्ञानिक है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। छठा, भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। सातवा, शून्य का प्रतिपादन किसने किया? आर्यभट्ट। आठवा, मनोविज्ञान का पिता है फ्रायड। नौवा, निम्न में से कौन चिकित्सा शास्त्री नहीं है? पहला सुश्रुत, दूसरा वरामिहिर, तीसरा चरक, चौथा धन्वंतरी से उत्तर वरामिहिर। दसवां, किस वैज्ञानिक को भौतिकी रसायन दोनों क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला है? मैडम क्यूरी। ग्यारहवां, रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त तरंगे होती है इंफ्रारेड। बारहवां, दूरदर्शन में प्रयुक्त तरंगे होती है माइक्रोवेव। तेरहवां, वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? पीआर चिदम्बरम। चौदहवां, किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला है? चंद्रशेखर वेंकटरमन। पंद्रहवां, वीरबल सहनी का संबंध है बॉटनी। सोलहवां, भौतिकी का पहला नोबेल प्राइज मिला रॉन्टजन। सत्रहवां, इलेक्ट्रॉन की खोज की थॉमसन। अठारहवां, शांति स्वरूप भटनागर थे रसायन शास्त्री। उन्नीसवां, कैस्कोग्राफ का आविष्कारक है जेसी बोस। बीसवां, अमेरिका के ने अपनी दूरबीन का चंद्रा नाम किया वैज्ञानिक के नाम पर रखा है डॉक्टर एस चंद्रशेखर। इक्कीसवां, बोसोन कण की खोज की एस एन बोस ने। पेज नंबर 232। 22वां प्रश्न है, जयपुर पैर के निर्माण के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला? डॉक्टर प्रमोद करण सेठी। 23वां, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक। 24वां, ब्रेल लिपि के जन्मदाता है लुइस ब्रेल। 25वां, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6। 26वां, भाप के इंजन के आविष्कारक है जेम्स वॉट। टॉपिक समाप्त। पेज नंबर 232। प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण और उनके उपयोग वैज्ञानिक आविष्कार। प्रश्न एक, जगदीश चंद्र बोस संबंधित है पादप कोशिकाओं की वृद्धि से? उसका ऑडोमीटर का कार्य है वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी को नापना।
तीसरा है क्रेस्कोग्राफ उपकरण का कार्य पौधों की वृद्धि मापना। चौथा है एस्पिरिन की खोज किसने की, ड्रेसर। पांचवा है पेनिसिलिन की खोज किसने की, फ्लेमिंग फ्लोरी। छठा अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया, डायनामाइट। सातवां द्रवों का आपेक्षिक घनत्व किस उपकरण से नापते हैं, हाइड्रोमीटर। आठवां फेदोमीटर किस राशि को नापता है, गहराई। नौवां पोलियो के टीके की खोज की, साल्क। दसवां इंसुलिन की खोज की, बेटिंग। ग्यारहवां बेरोमीटर का कार्य वायुदाब नापना। पे नंबर 233। बारहवां परमाणु बम के आविष्कारक है, ऑटो हॉर्न। तेरहवां एयर कंडीशनर में प्रयुक्त गैस का नाम है, फ्रियोन। चौदहवां पायरोमीटर का संबंध है, विकिरण की तीव्रता। पंद्रहवां प्रकाश विद्युत प्रभाव सिद्धांत का प्रतिपादन किया, आइंस्टीन। सोलहवां रेडियो एक्टिव की खोज किसने की, बेकुरल। सत्रहवां कृत्रिम रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की, जूलियट एम क्यूरी। अठारहवां चेचक के टीके की खोज की, जेनर ने। उन्नीसवां ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया, केपलर ने। बीसवां प्रकाश के द्वैत गुणों का सिद्धांत प्रतिपादित किया, डी ब्रोगली ने। 21वां रिवॉल्वर के खोजकर्ता थे, कॉल्ट। 22वां रडार के खोजकर्ता हैं, वॉटसन वॉट। 23वां मलेरिया के कारण की खोज किसने की, रोनाल्ड रॉस। 24वां फाउंटेन पेन की खोज किसने की, वाटरमैन। 25वां एडिसन संबंधित है, विद्युत बल्ब। 26वां कुत्ते काटने का इलाज किसने किया, लुई पाश्चर। 27वां गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, केटलर। 28वां बेतार के तार का आविष्कार किया, मार्कोनी। 29वां किसी भी स्थान पर दिशाएं ज्ञात करने का उपकरण है, कंपास, नीडल। 30वां रेन गेज काम आता है वर्षा को नापने में। पेज नंबर 234। 31वां प्रश्न है, सिस्मोग्राफ काम में आता है भूकंप नापने में। 32वां परमाणु संख्या की खोज की, मोजले। 33वां विद्युत धारा को नापने के काम में लेते हैं, अमीटर। 34वां आनुवंशिकता के नियमों की खोज की, मेंडल। 35वां प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, फ्लांक। 36वां हाइड्रोफोबिया की खोज की, लुई पाश्चर। 37वां डीडीटी के खोजकर्ता, पॉल मूलर। 38वां प्राकृतिक वरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया, चार्ल्स डार्विन। 39वां कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन व श्वसन। 40वां क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किया, सिम्पसन हैरिसन। 41वां होम्योपैथी के खोजकर्ता थे, हैनीमैन। 42वां हरगोविंद खुराना संबंधित जेनेटिक कोड। 43वां कंप्यूटर के खोजकर्ता आर्फिन। 44वां लाफिंग गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड। 45वां सेफ्टी रेजर के खोजकर्ता है, जिलेट। 46वां टेरामाइसिन की खोज किसने की, फिनले। 47वां प्रोटोन की खोज किसने की, टॉमसन। 48वां रोगाणु सिद्धांत के खोजकर्ता, लुई पाश्चर। 49वां सल्फा ड्रग की खोज किसने की, लाइनेक। अगला टॉपिक है परमाणु संरचना, रेडियो एक्टिवता। पेज नंबर 235। पहला प्रश्न है, गल ग्रंथि की खराबी की जांच के लिए कौन सा आइसोटोप काम में लेते हैं, आई 131। दूसरा, कार्बन 14 का अर्ध आयुकाल 5570। तीसरा, रक्त की जांच के लिए काम आने वाला आइसोटोप है CR51। चौथा, एक कोयले के नमूने में कार्बन 14 का 1/8 भाग हो तो उसकी आयु होगी 16710 वर्ष। पांचवा, परमाणु में नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड। छठा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन। सातवां, ऊर्जा स्तरों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है 2n2। आठवां, पी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। नौवां, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक। दसवां, एन स्तर में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 32। ग्यारहवां, एफ उप ऊर्जा स्तर में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 14। बारहवां, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक है 12। तेरहवां, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 12। चौदहवां, मैग्नीशियम में प्रोटॉन की संख्या होगी 12। पंद्रहवां, सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या होगी 13। सोलहवां, आयनन क्षमता सर्वाधिक होती है अल्फा किरणों से। सत्रहवां, भेदन क्षमता सबसे कम होती है अल्फा कणों में। अठारहवां, रेडियो एक्टिव पदार्थों के विघटन दर निर्भर करते हैं, पहला ताप, दूसरा दाब, तीसरा पदार्थ पर से उत्तर किसी पर भी नहीं। 19वां, रेडियो एक्टिव विकिरण को नापने का मात्रक है रैम। 20वां, निम्न में से किस पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता, गामा।
इक्कीस एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 35, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17, तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करो 18। 22 उक्त प्रश्न में प्रोटोनों की संख्या कितनी होगी 17। पेज नंबर 236। 23वां प्रश्न, किस इलेक्ट्रॉन विन्यास वाला तत्व धातु होगा 282। 24 निम्न में से कौन सा परमाणु निष्क्रिय है, पहला हीलियम, दूसरा आर्गन, तीसरा क्रिप्टॉन, से उत्तर उक्त सभी। 25 है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में मुख्य अंतर है आवेश का। 26 है रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की, बेकुरल। 27 अल्फा कण होते हैं धनावेशित। 28 है रेडियो एक्टिव विकिरण की उपस्थिति का पता लगाते हैं, गाइनर, काउंटर। 29 है C12 C14 में अंतर है दो न्यूट्रॉन का। 30 है रेडियो एक्टिव तत्वों में रेडियो सक्रियता की इकाई की यूनिट होती क्यूरी। 31 है उदासीन परमाणु से दो इलेक्ट्रॉन निकाल लेने पर उसका भार अपरिवर्तित रहेगा। 32 है किसी परमाणु के नाभिक के एक न्यूट्रॉन निकालने पर नाभिक पर धनावेश घट जाएगा। 33 है कार्बन के ज्ञात समस्थानिकों की संख्या है 2। 34 है परमाणु जासूस कहते हैं रेडियो आइसोटोप। 35 है रक्त कैंसर के उपचार के लिए काम में आने वाला रेडियो आइसोटोप है स्वर्ण 198। 36 है कार्बन काल निर्धारण विधि में अधिकतम कितने वर्ष पुरानी वस्तुओं की आयु ज्ञात की जा सकती है 50,000 वर्ष। 37 है रेडियम 226 का अर्ध आयुकाल है 1620 वर्ष। 38 है पाइप लाइन में पेट्रोल के रिसाव की जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है, रेडियो आयोडीन। 39 है कैंसर की चिकित्सा के लिए किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं, कोबाल्ट 60। 40 है ब्रेन ट्यूमर की जांच के लिए काम आने वाला समस्थानिक है पारा 203। 41 है पौधों के विकास संबंधी जानकारी के काम आने वाला रेडियो समस्थानिक है P32। 42 है आलू की फसल के कीड़ों को नष्ट करने के लिए कौन सा आइसोटोप काम में लेते हैं, CO60। 43 है एक जीवाश्म में कार्बन 14 का 1/4 भाग शेष रहता है तो उसकी आयु होगी 11,140 वर्ष। 44 है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है 3। 45 है कृत्रिम रेडियो एक्टिवता की खोज की, पहला बेकुरल, दूसरा है मैडम क्यूरी, तीसरा है जूलियट, से उत्तर है मैडम क्यूरी और जूलियट। 46 है एल ऊर्जा स्तर में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 8। 47 है निम्न में से कौन हीलियम के द्वि धनावेशित आयन है, अल्फा। 48 है निम्न में से कौन सी किरणें विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती है, गामा। 49 है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 281। 50 है गामा किरणें होती है उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे। टॉपिक समाप्त। पेज नंबर 237 विद्युत उससे संबंधित युक्तियां वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न एक, विभवांतर नापने में उपयोग में लिया जाता है वोल्टमीटर। दूसरा, एमीमीटर को परिपथ में लगाते हैं श्रेणी क्रम। तीसरा, वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत अधिक। चौथा, वोल्टमीटर को किस क्रम में परिपथ में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। पांचवा, नाइक्रोम के 4 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध 10 ओम है, यदि उसकी लंबाई 2 मीटर कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध ओम में होगा 5। छठा, घरों में विद्युत उपकरण लगे होते हैं समांतर क्रम में। सातवा, ओम का नियम है V=RI। आठवां प्रश्न, पेज नंबर 238। एक चालक तार में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर 20 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, चालक का प्रतिरोध ओम में 10। नवा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, पहला कार्य और दूसरा ऊर्जा, से उत्तर उक्त दोनों। दसवां, कूलाम किसकी इकाई है, विद्युत आवेश। ग्यारहवां, बिजली उत्पादन केंद्रों से घरों तक विद्युत संचारित की जाती है उच्च वोल्टता एवं निम्न धारा पर। बारहवां प्रश्न, यदि 2 समांतर तारों में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित की जाए तो उनके मध्य बलों का प्रतिकर्षण। तेरहवां, विद्युत मोटर का कार्य विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। चौदहवां, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरते हैं, आर्गन। 15वां, विद्युत बल्ब में फिलामेंट क्या होता है, टंगस्टन। 16वां, प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम आई मीटर। 17वां प्रश्न, साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर उसका आकार बढ़ेगा। 18वां, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। 19वां, स्थिर आवेश में कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र। 20, फ्यूज तार में कितनी धारा बहती है, 5 से 10 एम्पियर। 21, गतिशील आवेश में कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा,
पहला विद्युत क्षेत्र, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र से उत्तर है उक्त दोनों। 22वां चालकता का मात्रक है मोहो। 23वां विशिष्ट पदार्थ निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति। 24वां प्रतिरोध का मान निर्भर करता है पहला पदार्थ की प्रकृति, दूसरा लंबाई पर, तीसरा मोटाई पर से उत्तर उक्त सभी। 25वां घरों में विद्युत ऊर्जा के उपयोग को नापते हैं किलोवाट या घंटों में। 26वां ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है आवृत्ति, पेज नंबर 239। 27वां प्रश्न, जब विभिन्न बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कौन सा बल्ब सबसे अधिक चमकेगा, 15 वाट। 28वां फ्यूज तार बने होते हैं पहला टिन के, दूसरा रंगे के से उत्तर उक्त दोनों के। 29वां दो समांतर तारों में यदि एक ही दिशा में धारा प्रवाहित की जाए तो उनके मध्य बल होगा आकर्षण। 30वां यदि विभिन्न बल्ब को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो कौन सा बल्ब सबसे तेज चमकेगा, 100 वाट। 31वां यह किसका संकेत है, ओम। 32वां विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं ऋण से धन सिरे की ओर। 33वां परिपथ में विद्युत के मान को नापने के लिए कौन सा उपकरण काम में लेते हैं, अमीटर। 34वां लेकलांसे सेल है प्राथमिक सेल। 35वां लेकलांसे सेल में पाए जाने वाले दोष है पहले ध्रवण, दूसरा स्थानीय क्रिया से उत्तर उक्त दोनों। 36वां ध्रवण के दोष को दूर करने के लिए प्राथमिक सेल में क्या काम में लेते हैं, मैग्नीज डाई ऑक्साइड। प्रश्न 37, बैटरी या सेल से प्राप्त धारा होती है दिष्ट धारा। 38वां किस धारा में आवृत्ति का मान 0 होता है, दिष्ट धारा। 39वां विद्युत शक्ति का छोटा मात्रक है वाट। 40वां फ्यूज की विशेषता है कम गलनांक व कम प्रतिरोध। 41वां निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, आई बराबर वीपी। 42वां यदि विभिन्न बल्ब समांतर क्रम में जुड़े होते था पावर एकदम बढ़ जाए तो कौन सा बल्ब पहले फ्यूज होगा, 100 वाट। अगला प्रश्न है सिलिकॉन का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटेगा। 44वां प्रश्न है एम्पियर को कहते हैं पहला कूलम प्रति सेकेंड, दूसरा वोल्ट प्रति सेकेंड, तीसरा वोल्ट ऑब्लिक ओम से उत्तर है पहला और तीसरा। पेज नंबर 240। 45वां प्रश्न, परिपथ में विद्युत धारा बहती है धन से ऋण की ओर। 46वां फ्यूज को परिपथ में कौन से क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम। 47 एक किलोवाट का मान होता है पहले 10^3 वाट, उसे 1000 वाट, तीसरे 10^5 वाट से उत्तर है पहला दूसरा। 48वां प्रश्न, विद्युत विक्षेप की दिशा पता लगाने के काम में आता है गैल्वेनोमीटर। 49 एक पानी की बूंद पर 32×10^-17 कूलम आवेश है तो इस बूंद में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2000। 50 गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए करना पड़ेगा उसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। अगला टॉपिक है मानव सेवा में रसायन। पहला प्रश्न, उच्च वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवणों को कहते हैं साबुन। दूसरा, सबसे पहले कृत्रिम रबड़ बनाया गया था नियोप्रीन से। तीसरा, भंजन की क्रिया द्वारा कौन सा ईंधन प्राप्त होता है, केरोसिन तेल। चौथा, किण्वन के लिए उपयुक्त तापमान है 25°C से 35°C। 5वां, एसीटोनाइट्रिल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है आर्लॉन। 6वां, प्राकृतिक गैसों का मिश्रण है प्रोपेन व ब्यूटेन का। 7वां, घरेलू गैस मिश्रण है प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। 8वां, माचिस बनाने के लिए उपयोग में आता है लाल फास्फोरस। 9वां, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6। 10वां, प्लास्टिक की पारदर्शी थैलियां बनाई जाती है पॉली स्टाइरीन। पेज नंबर 241। 11वां प्रश्न, प्रिज्म लेंस बनाने के लिए कौन सा कांच उपयोग में आता है, फ्लिंट कांच। 12वां, प्रोड्यूसर गैस के अवयव है CO+N2। 13वां, कांच को नीला रंग प्रदान करने के लिए कौन सा धात्विक ऑक्साइड मिलाते हैं, कोबाल्ट ऑक्साइड। 14वां, प्रयोगशाला में उच्च ताप को सहन कर सकने वाले उपकरण बनाए जाते हैं पाइटेक्स कांच से। 15वां, मेथिल एल्कोहल का सूत्र है CH3OH।
सोलवेंट प्लास्टिक होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, उच्च बहुलक। 17 जल को रोगाणु रहित करने के लिए कौन सी गैस काम में आती है? क्लोरीन। 18 विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2। दूसरा 19वां प्रश्न खाद के रूप में काम में आता है, पहला अमोनियम सल्फेट, दूसरा यूरिया, तीसरा सुपर फास्फेट। से उत्तर उक्त सभी। 20वां प्रश्न पौधों को सबसे कम किस तत्व की आवश्यकता होती है? पोटेशियम। अगला टॉपिक है ऊर्जा के परंपरागत या गैर परंपरागत स्रोत। पहला प्रश्न, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सौर ऊर्जा। दूसरा, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। तीसरा, हाइड्रोजन बम में कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन। चौथा है कूड़ा करकट में मुख्य रूप से होता है कार्बनिक पदार्थ। पांचवा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है फोटोसेल। छठा, गोबर गैस बनाने के बाद शेष बचे पदार्थ को कहते हैं स्लरी। पेज नंबर 242। सातवां प्रश्न, गोबर गैस में मुख्य ज्वलनशील अवयव मीथेन। आठवां प्रश्न, गोबर गैस संगठन में मीथेन का प्रतिशत होता है 55%। नौवां, स्लरी काम में आता है उर्वरक के रूप में। दसवां, कचरे से ऊर्जा किस विधि से प्राप्त होती है? तापीय आसवन। ग्यारहवां, कचरे के तापीय आसवन से कौन सी गैस प्राप्त होती है? मीथेन। बारहवां, पृथ्वी के केंद्र से आधी दूरी पर कितना ताप है? 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। तेरहवां, भारत की प्रथम संलयन भट्टी का क्या नाम है? आदित्य। चौदहवां, परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में प्रयोग में ली जाने वाली छड़े बनी होती है ग्रेफाइट। पंद्रहवां, परमाणु भट्टी में नियंत्रक छड़े किसकी बनी होती है? CD। सोलहवां, परमाणु भट्टी में शीतलक के रूप में किसका उपयोग होता है? H2O। सत्रहवां, निम्न में से कौन सा स्रोत परंपरागत नहीं है सौर ऊर्जा? 18वां, परंपरागत ऊर्जा स्रोत है पहले जो कभी नष्ट नहीं होते, दूसरा जो नष्ट हो रहे, तीसरा जो सीमित है। से उत्तर उक्त दूसरा और तीसरा। 19वां, गहरी खानों में गहराई के साथ ताप बढ़ता है। 20वां, सूर्य से प्रतिवर्ष ऊर्जा प्राप्त होती है 3 R·10²⁺ जूल। 21वां प्रश्न, पृथ्वी को प्रतिवर्ष ऊर्जा की आवश्यकता है 3 R·10²⁰⁰ जूल। 22वां प्रश्न, पृथ्वी के धरातल से लगभग कितनी ऊर्जा बाहर की तरफ प्रवाहित हो रही है? 200 R·10⁶ मेगावाट। 23वां, परमाणु भट्टी में मंदक का कार्य न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित करना। 24वां, निम्न में से कौन कौन से पदार्थ मंदक के रूप में काम में आते हैं? पहले BeO, दूसरा H2O, तीसरा D2O। से उत्तर उक्त सभी। 25वां प्रश्न, आज किसी देश की प्रगति का मापक है ऊर्जा की खपत का अधिक होना। पेज नंबर 243। 26वां प्रश्न, एशिया की सबसे बड़ी पवन परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात। 27वां प्रश्न, संलयन के लिए आवश्यक है पहला उच्च ताप, दूसरा हल्के नाभिक। से उत्तरोक्त दोनों। 28वां, सूर्य में मौजूद है हीलियम। 29वां, परमाणु भट्टी में कौन सी क्रिया होती है? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। 30वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी केंद्रीय परियोजना है? दादरी गैस परियोजना। टॉपिक समाप्त।